रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने सिर्फ 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली। इस साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म 2.0 ने हिंदी वर्जन के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म के आने के साथ ही अक्षय कुमार का नामकरण भी हो गया। जी हाँ, अक्षय कुमार की इस फिल्म के साथ नया नाम भी बाहर आ गया है और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि अक्षय कुमार की बेटी नितारा ने दिया है। खबर आई है कि अक्षय कुमार की बेटी नितारा ने बिना फिल्म देखे ही उनका नामकरण कर दिया है। दरअसल फिल्म के रिलीज से पहले कई पोस्टर रिलीज किए गए। इन पोस्टर को जब नितारा ने देखा तो अपने पिता अक्षय कुमार को एक पक्षी के रूप में पाया। इसके बाद अक्षय कुमार का नाम बर्डमैन रख दिया गया। आपको बता दें कि शंकर के निर्देशन में बनी 1 अक्टूबर 2010 को तमिल में रोबोट का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया गया था। वहीं हिंदी में उसका नाम रोबोट दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म 2.0 का दूसरा भाग है, वहीं इसके अंदर रजनीकांत अपने साइंटिस्ट और रोबोट के रोल में है। अक्षय कुमार को विलन बनाया गया और ऐश्वर्या राय बच्चन की जगह इस बार एमी जैक्सन है। साथ ही साथ सुधांशु पांडे, आदिल हुसैन, कला भवन, सौजन और रियाज खान भी अहम रोल के अंदर है। रोबोट की इस कहानी में अब की बार आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पक्षियों को होने वाले खतरों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये फिल्म। सब्सक्राइब करें, देखो देखो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलेगी सबसे पहले।